सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूं इंटेल प्रोसेसर्स और उनके कंपैटिबल मदरबोर्ड्स के प्राइसेस। तो प्रतीक सर कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास सर। गाइस ये कंप्लीट वीडियो में हम लोग इंटेल प्रोसेसर्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एएमडी के बारे में बात किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा रहेगा तो आई बटन में रहेगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर सर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके शॉप के बारे में जरा बताना। आपका शॉप एक्जैक्टली फिनिक्स टेक्नोलॉजी एनएक्स लैमिंगटन रोड में कहां पे आता है? अगर मैं फिजिकली बात करूंगा तो जैसे स्टेशन से जैसे आप राइट टुवर्ड्स जाते हो फॉर द लैमिंगटन रोड स्टार्टिंग, तो जैसे आप राइट लेंगे सर सिमलिम स्क्वायर मॉल है यहाँ पे, एक्जैक्ट ऑपोजिट है उसके सर, या फिर प्राइम एबीजीबी एक्जैक्टली ऑपोजिट फुटपाथ पे मेरी स्टोर लोकेटेड है सर। ओके तो सर अभी आते हैं इंटेल प्रोसेसर्स के ऊपर। इंटेल प्रोसेसर्स में अभी क्या क्या वैरायटीज है सर? है काफी, अभी देख सकते हैं आप। चलो अपन स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। विल स्टार्ट विद द i5-11400F 11400F प्रोसेसर है सर आपका। बेसिक इफ डिटेल्स यू जस्ट नीड यू कैन चेक हियर। प्रोसेसर गुड 11 जन सीरीज आता था सर। खैर अभी तो ये ज्यादा बिकता नहीं है। इसकी कॉस्टिंग है सर 10,550 विद 3 इयर्स वारंटी। उसके बाद आई विल शो यू 11400 विद द इंटीग्रेटेड जीपीयू। ये इंटेल की तरफ से 11400 i5 11 जनरेशन। इसकी कॉस्ट अगर बताओ तो 12,900। फिर उसके बाद सर मेरे पास है 11700F विदाउट द ग्राफिक्स, इसमें आपको जीपीयू लगेगा। F सीरीज मतलब आपको जीपीयू नेसेसरी है। अगर इसकी कॉस्ट की बात करूंगा सर तो 19,950 19,950 विद 3 इयर्स वारंटी इंक्लूडिंग जीएसटी सर। एंड दिस इज द 11700, ये मेरा एक लास्ट सीरीज है सर इन द 11 जनरेशन। अगर इसकी कीमत की बात करूं तो 22,200 विद 3 इयर्स वारंटी ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। ये चारों सीपीयू में सर स्टॉक फैंस आपको इंक्लूडेड आते ही है। और इनके सर कंपैटिबल मदरबोर्ड्स देखने जाए, क्या क्या कंपैटिबल मदरबोर्ड्स आते हैं सर? वो अभी जैसे कि हम ज्यादा स्टॉक रखते नहीं, बैक टू बैक में ही रखते हैं, अभी जस्ट वीडियो के डिस्प्ले के लिए मुझे दिखाना था ये। वैसे बाकी आप देखेंगे तो i5 में यू कैन यूज द H510 सीरीज बोर्ड, वो आपके सपोर्टेड है। फिर B560 आपके है जो B560 भी सपोर्ट कर लेंगे। आते हैं अभी सर 12 जन पे। 12 जन में आपके पास अभी क्या क्या वैरायटीज है? 12 जन में सर काफी अच्छा रेंज है मेरे पास। यू कैन सी विल स्टार्ट विद द i3-12100F 12100F प्रोसेसर का मॉडल है। इसमें आपको ग्राफिक्स लगेगा सर अलग से, विदाउट ग्राफिक्स ये प्रोसेसर आपको डिस्प्ले नहीं देगा। अगर इसकी कॉस्ट की बात करो तो 8,150 8,150 अलॉन्ग विद स्टॉक फैन 3 इयर्स वारंटी। देन आई हैव द iGPU मॉडल सर i3-12100। इसके अंदर आपको इंटेल का iGPU ऑलरेडी इनबिल्ट आता ही है सर। अगर इसकी कॉस्ट की बात करूं तो दिस इज फॉर 11,800 3 इयर्स वारंटी अलॉन्ग विद द स्टॉक फैन अगेन। फिर आते हैं सर 12400F, काफी ज्यादा रनिंग मॉडल रहा है सर ये। i5 12400F प्रोसेसर इज वेरी गुड सर। और प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको 14,500 विद जीएसटी विद स्टॉक फैन के साथ आ जाएगा सर। फिर है 12400, इसमें आपको सर अलग से जीपीयू लेने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड iGPU के साथ है सर। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें दिस फॉर 16,800 विद 3 इयर्स वारंटी अगेन। देन वी हैव अ 12600K, मेरे पास KF सीरीज सर अभी स्टॉक में नहीं है, बट आई विल शो यू द i5 12600K, यू कैन चेक द डिटेल्स सर। अगर इसकी कॉस्ट की बात करूं ये आपको 23,400 विद 3 इयर्स वारंटी आएगा सर, बट इसमें आपको स्टॉक फैंस नहीं आते हैं, यू हैव टू परचेज अ थर्ड पार्टी कूलर फॉर दैट, मे बी एयर कूलर और लिक्विड कूलर, बट रिकमेंडेड इज लिक्विड कूलर मोर साइड सर। उसके बाद फिर मैं आपको शो करता हूं सर i7 सीरीज में आपका 12700F। इसमें अगेन सर यू हैव टू हैव अ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, उसके बिना डिस्प्ले नहीं आएगा सर आपका। 12700F की कॉस्ट की बात करो 27,750 विद 3 इयर्स वारंटी, इसमें आपको स्टॉक फैन साथ में आएगा सर। ओमकार भाई फिर अपन आते हैं i7-12700 पे, iGPU के साथ है सर आपको, इसमें आपको ग्राफिक अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करूंगा सर दिस इज फॉर 29,400 विद 3 इयर्स वारंटी विद द स्टॉक फैन सर। फिर सर मैं बताता हूँ आपको i7 का अगेन 12700K, ये विदाउट स्टॉक फैन के साथ आता है सर। और इसकी कॉस्ट की बात करूँ दिस इज फॉर 30,700 30,700 विद 3 इयर्स वारंटी। फिर सर मेरे पास i9 में दो मॉडल्स है, दैट इज द इंटेल i9-12900K, यू कैन सी द बॉक्स सर। इसकी डिटेल्स अगर आप देखेंगे इट्स रिटन एवरीथिंग हियर। अगर 12900K की कॉस्ट की बात करूंगा दिस वो 41,000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस सर। और उसके बाद फिर मेरे पास सर है 12900KS, यू कैन सी दिस इज अ 12900KS सर। इसकी अगर कॉस्ट की बात करूं ये आपको आता है 49,500 विद 3 इयर्स वारंटी सर। मेरे पास मदरबोर्ड्स में सर मेरे पास B660 लाइनअप है, क्योंकि केयर मेरा ज्यादा 16 रिक्वायरमेंट होता नहीं है, बट आई विल शो यू बेसिक डिटेल्स ऑफ द बोर्ड। सो एज एन फॉर 12 जन यू कैन यूज B660 सीरीज बोर्ड। अभी ये ASUS की तरफ से B660 MAD4, दिस इज अ गुड मदरबोर्ड 4 RAM स्लॉट के साथ है, लेकिन ये माइक्रोएटिक्स फॉर्म फैक्टर के साथ है सर। अगर इसकी कॉस्ट की बात करूं 11,600 विद 3 इयर्स वारंटी सर। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूं गीगाबाइट Aorus की तरफ से अगेन B660M Aorus Pro मदरबोर्ड। ये बोर्ड भी काफी बेहतरीन है सर। इसकी डिटेल अगर आप देखेंगे यू कैन चेक आउट हियर। अगर ये बोर्ड की मैं कॉस्ट की बात करूं दिस वाज 17,600 विद 3 इयर्स वारंटी विद जीएसटी सर। ये बोर्ड्स काफी अच्छे हैं। अभी जैसे सर हमने आपको i3 दिखाया, i3 12100F और 100 के लिए जैसे आपके यूज के हिसाब से यू कैन गो विद 610 बोर्ड, लेकिन जैसे आप i5 आते हो तो ट्राई टू गो एटलीस्ट विद B660 बोर्ड सर। अभी ये भी एंड ऑफ लाइफ हो गया, अभी हमारे 13 जन के साथ जो 760 सीरीज या 790 सीरीज आया उन्होंने अभी ओवरटेक किया है, तो ये सीरीज भी आप देखेंगे तो ये अभी मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगी नहीं। केरल अगेन शो यू द 13 जनरेशन प्रोसेसर सर। सो वी हैव द 13100 सीरीज प्रोसेसर, ये विद iGPU वाला है सर। वी विल गो विद द कॉस्टिंग ऑफ दिस i3, दिस विल कॉस्ट यू फॉर 13,100 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर इसी के बाद सर एक 13100F करके भी प्रोसेसर है जिसमें आपको iGPU अलग से लगेगा, वो 10,900 में आपको मिल जाएगा। ये सारे आ गए अभी नए प्रोसेसर, ये स्टॉक आ चुका है सर, और ये सारे स्टॉक फैंस के साथ है सर। फिर हम आते हैं 13400F पे, can see this 13400F 13th जनरेशन का सर काफी अच्छा प्रोसेसर अभी मार्केट में चल रहा है. दिस इज फॉर 18800 अलॉन्ग विद द स्टॉक फैन 3 इयर्स वारंटी जीएसटी इंक्लूडेड था. देन आई विल शो यू द 13400. इसमें आपको अलग से फिर आपको ग्राफिक कार्ड लेने की जरूरत नहीं है सर. प्रोसेसर ये भी डिसेंट है सर. और इसकी अगर कॉस्ट की बात करूं दिस इज फॉर 21100 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. फिर उसके बाद सर आई हैव द 13600KF. ये आप 13600KF देख सकते हो. दिस इज फॉर 27750. इसमें सर आपको ग्राफिक कार्ड लगेगा अलग से आपको. एंड अगेन आई विल शो यू द 13600K. अभी के लिए ज्यादा करके 13600K काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है उनकी. अगर इसकी कॉस्ट की मैं बात करूंगा सर तो दिस विल कॉस्ट यू फॉर 29400 विद 3 इयर्स वारंटी जीएसटी इंक्लूडेड. इसमें आपको स्टॉक फैंस नहीं आएंगे. आते हैं अभी सर इसके कंपैटिबल मदरबोर्ड्स के ऊपर B760 सीरीज के ऊपर. 760 में आपके पास क्या-क्या वैरायटी है सर? B760 में अगेन वी विल स्टार्ट विद द गीगाबाइट सीरीज सर. अभी आप देख सकते हो दिस इज B760 MDS3H AX DDR4. दिस इज DDR4 सर. इसमें वाईफाई ब्लूटूथ इनबिल्ट आ गया. आपको वाईफाई 6E आ गया सर. अगर इसकी कॉस्ट की बात करो तो 14000 3 इयर्स वारंटी के साथ. फिर इसके बाद सर मैं आपको दिखाता हूं B760M गेमिंग DDR4 अगेन द गीगाबाइट बोर्ड सर. ये आपका 2 रैम स्लॉट के साथ है. दिस इज विद 2 रैम स्लॉट. यू कैन चेक द बोर्ड. इसमें इतना कोई खास VRM सर देखेंगे तो इतना मिलना नहीं है. सो यू कैन यूज इट विद द i3 13 gen processor और मे बी 13400F बट आई डोंट रिकमेंड टू गो विद 2 रैम स्लॉट फॉर नाउ. अभी के लिए नॉट रिक्वायर्ड सर. तो इसकी कॉस्ट की बात करूंगा देखो 10350 अगेन 3 इयर्स वारंटी विद जीएसटी सर. फिर आता है आपका B760M गेमिंग AC DDR4 सर. द सेम कंपेयर टू द प्रीवियस वन. इसमें आपको वाईफाई एंड ब्लूटूथ इनबिल्ट आ गया सर. इसकी कॉस्ट आएगी आपको 11600 विद जीएसटी दादा. आई हैव द Aorus सीरीज सर. अगेन जैसे माइक्रोएटिक्स फॉर्म फैक्टर में आपको B760M Aorus Pro AX दिख जाएगा. वाईफाई ब्लूटूथ इनबिल्ट आ गया. अगर इसकी कॉस्ट की बात करो दिस फॉर 19250 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस सर. बोर्ड देख सकते हैं काफी प्रिटी बोर्ड है फॉर माइक्रोएटिक्स फॉर्म फैक्टर मशीन सर. सर तो फिर आते हैं हम B760 Tomahawk वाईफाई पे. ये 760 सीरीज में फुल एटिक्स फॉर्म फैक्टर बोर्ड है सर. वाईफाई ब्लूटूथ इनेबल्ड है. आपका बोर्ड काफी डिटेल आप यू कैन चेक द डिटेल ऑन द बैक साइड सर. अगर इस बोर्ड की कीमत की बात करो तो देखो 22700 विद 3 इयर्स वारंटी के साथ सर. ये दिस इज फ्रॉम MSI फुल फॉर्म ATX बोर्ड है सर. अगेन विल कम ऑन द Z690 सीरीज नाउ सर. ये आपके 12 जनरेशन सपोर्टेड थे बोर्ड. 13 जन में भी आप यूज कर सकते हो बाय बायोस अपडेट. लेकिन सर 690 गेमिंग एक्स एंड 790 गेमिंग एक्स में अगर आप अंतर देखोगे तो आपको बोर्ड पे भी फिजिकल अंतर है. सो इट्स गुड टू गो विद द 790 सीरीज एज ऑफ नाउ टेक्नोलॉजी वाइज. तो ये बोर्ड की अगर कॉस्ट की बात करो दिस फॉर 19200 विद जीएसटी सर. फिर आई हैव द ASUS Z690A गेमिंग वाईफाई. अभी वही सर वाइड बिल्ड जिसी को चाहिए तो वी कैन गो विद दिस. दिस इज अ DDR4 बोर्ड. इसमें से DDR4 DDR5 ये आपको दोनों नोटिस करना है क्योंकि काफी बोर्ड्स में कंफ्यूजन होता है. कोई बोर्ड्स में आपको D4 D5 लिख के आता है लेकिन कोई बोर्ड्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ आता है. तो ये आपको ध्यान रखना है. मतलब इन शॉर्ट यही है कि कुछ लिखा नहीं रहेगा वो D5 रहेगा और D4 लिखा रहेगा वो DDR4 का. यस नहीं बट कोई कोई बोर्ड्स में सर देखो एंड यूजर जो कस्टमर्स है उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है. तो ये ध्यान रखना आपको 13 जन एंड 12 जन DDR5 DDR4 दोनों सपोर्टेड मदरबोर्ड आएंगे और उसी के हिसाब से आपको मेमोरीज लेनी है. वेलकम द बोर्ड Z690A गेमिंग वाईफाई D4 ASUS की तरफ से. यू कैन चेक द लुक्स ऑन द बैक साइड. अगर ये बोर्ड की कॉस्ट की बात करो तो 33200 विद 3 इयर्स वारंटी सर. फिर उसके बाद सर मेरे पास ROG की तरफ से भी बोर्ड है. इट्स अ Z690E गेमिंग वाईफाई अगेन कमिंग फ्रॉम ASUS ROG स्ट्रीक्स. यू कैन चेक द लुक्स. आप पीछे से लुक्स चेक कर सकते हो. तो सर ये बोर्ड की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो 43900 विद 3 इयर्स वारंटी. ये ASUS ROG रिपब्लिक ऑफ गेमर्स की तरफ से सर. काफी टॉप नॉच बोर्ड है. इसमें सारे फीचर्स ऑलमोस्ट आपके आ गए. बात करेंगे Z790. दीज आर यूज्ड फॉर द 13 जन फॉर नाउ. गीगाबाइट का ये बोर्ड काफी प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में भी अच्छा है सर. अगर ये बोर्ड की बात करो इट्स अ DDR5 मदरबोर्ड और इसकी कॉस्ट आएगी आपको 21300 विद 3 इयर्स वारंटी. इसके बाद फिर आई हैव अगेन अ माइक्रोएटिक्स फॉर्म फैक्टर में Z790 सर. यू कैन चेक दिस बोर्ड Z790M Aorus Elite AX करके बोर्ड है सर. ये भी आपका DDR5 बोर्ड है एंड माइक्रोएटिक्स फॉर्म फैक्टर बोर्ड है. इसकी कॉस्ट की बात करूं 21100 फॉर 3 इयर्स वारंटी सर. अभी सर एक बार मैं आपको सीपीयू फिर कवर करवा लेता हूं. 3-4 सीपीयू मेरे पास बचे हुए हैं. जैसे कि चेक आउट द 13700F. ये 13700F आएगा सर आपको Intel की तरफ से. इसमें आपको ग्राफिक कार्ड अलग से लग जाएगा सर. एंड अगर ये सीपीयू की कॉस्ट की बात करो तो 34050 34050 विद 3 इयर्स वारंटी सर. फिर अगेन विल कम ऑन द 13700. यू कैन सी द 13700 सर. Intel 13 जन का प्रोसेसर है. इसकी कॉस्ट की बात करो तो 36500. इसमें आपको इनबिल्ट जीपीयू आ गया सर. उसके बाद फिर हम आएंगे ऑन द 13700K. ये भी सर काफी मार्केट में ट्रेंडिंग है. i7-13700K काफी ज्यादा रनिंग है. इसकी कॉस्ट की बात करूं तो ये 37900 विदाउट स्टॉक फैन विद जीएसटी सर. फिर आते सर ऑन द i9-13. सो दिस इज द 13900KF Intel की तरफ से है सर. ये इसमें आपको ग्राफिक कार्ड अलग से लग जाएगा. लगाना ही पड़ेगा इनफैक्ट. उसके बाद डिस्प्ले आना नहीं है आपको. इसकी कॉस्ट की बात करो तो 51350 एंड द लास्ट वी हैव द 13900K सर. इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो 52750 विद 3 इयर्स वारंटी. फिर इसी के साथ सर और मेरे पास 4-5 बोर्ड्स है. मैं आपको दिखा देता हूं वो भी. जैसे कि गीगाबाइट में आपको आएगा द Z790 Aorus Elite AX. यू कैन सी दिस बोर्ड. दिस इज अगेन अ DDR5 मदरबोर्ड सर. इसकी कॉस्ट की बात करो तो 27150 विद 3 इयर्स वारंटी सर. फिर उसके बाद में सर आपको MSI की तरफ से और एक बोर्ड है वो भी दिखा देता हूं. दैट इज Z790P Wi-Fi DDR4. वाईफाई ब्लूटूथ इनबिल्ट है सर. लेकिन दिस इज अ DDR4 मदरबोर्ड. अगर इसकी कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, दिस फॉर 20,650 विद 3 years वारंटी। फिर मेरे पास MSI में सर काफी एक अच्छा बोर्ड है जो टॉमाहॉक सीरीज है, जो AMD 5000 और अभी तक के इंटेल में भी काफी ज्यादा ट्रेंडी है सर। सो दिस इज द Z790 टॉमाहॉक वाईफाई सर। अगर इसकी कॉस्ट की मैं बात करूँ, दिस फॉर 32,900 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर ओमकार भाई मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ ASUS की तरफ से, दैट इज Z790 ई गेमिंग वाईफाई। इट्स अ DDR5 बोर्ड अगेन सर। आप पीछे एस्थेटिक्स देखेंगे काफी ज्यादा अच्छे VRM दिए हुए सर। अगर इसकी कॉस्ट की बात करूँ, दिस फॉर 47,450 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस विद 3 years वारंटी सर। फिर उसके बाद और भी एक बोर्ड है, दैट इज द लोअर वर्जन ऑफ द E1 Z790F गेमिंग वाईफाई। ये भी काफी बेहतरीन बोर्ड है सर। ROG आगे तो बहुत अच्छे सर क्वालिटी है इनकी। इसकी कॉस्ट की बात करूं, 39,600 विद 3 years वारंटी। एंड द लास्ट वन व्हिच आई हैव, दैट इज Z790 हीरो ASUS मैक्सिमस सर। आगे नहीं बोलना मुझे, यू कैन चेक द लुक्स एंड एवरीथिंग सर। ये भी अगेन DDR5 बट ऑब्वियसली DDR5 बोर्ड सर। और अगर ये मैक्सिमस बोर्ड की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, तो दिस इज फॉर 66,200 विद 3 years वारंटी सर। ओके, तो ये है सबसे टॉप एंड Z790 अभी तक का। नहीं, इससे भी टॉप एंड है सर, जैसे कि आपने गॉडलाइक देखा हो, मैंने अभी एक गॉडलाइक था, वो अगर आपको लेना हो तो वो आपको 1,41,500 तक के जाता है, दैट इज Z790E गॉडलाइक। तो गाइस ये था एक कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग इंटेल प्रोसेसर्स और उनके कंपैटिबल मदरबोर्ड्स। आई होप कि कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको कुछ भी थिंग बाय करना रहेगा तो आप प्रतीक भाई को कांटेक्ट कर सकते हो। उनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लस उनका व्हाट्सएप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और गाइस आप प्रतीक सर के इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करना, क्योंकि जो भी अपडेट्स आते हैं वो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आते हैं। तो आई होप कि कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल विशेस कम टू गाइस, बाय बाय।